हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जो यूनिट फर्स्ट है उसका मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी आपको। शो दैट द शियर फाइ इज इक्विवेलेंट टू अ कंप्रेशन फाइ बाय टू एंड एन एक्सटेंशन फाइ बाय टू इन टू मुजुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेपर में आ चुका है, एमडीयू के क्वेश्चन पेपर में आ गया है अप्रैल 2019 में। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप लोग, जो हमारा ये है अप्रैल 2019 का फर्स्ट यूनिट में, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। शो दैट द शियर फाइ इज इक्विवेलेंट टू अ कंप्रेशन क्यू बाय टू फाइव बाय टू एंड एन एक्सटेंशन फाइव बाय टू इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, हमें क्या बताना है, कंप्रेशन के बारे में और एक्सटेंशन के बारे में बताना है। ठीक है, वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो मैं थोड़ी सी वीडियो को छोटी बनाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो आप लोग इसमें देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी सी डी हमने ले लिया हमारे पास, ठीक है, ए बी सी डी हमने है हमारे पास। ओके, देखो ये डायग्राम को थोड़ी ढंग से समझना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये आपको बनाना पड़ेगा। हमने क्या लिया, ए बी सी डी ले लिया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड किया, हमने क्या किया इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड किया, तो क्या हुआ, ए आ गया ए डैश पे, ए कहाँ आ गया ए डैश पे, ए आ गया बी से बी डैश पे आ गया। इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाला डी सी है वो तो क्या रहेगा, मतलब वो अपनी एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा, एज इट इज जिस पोजिशन में उस पोजिशन में रहेगा। वो ए से आ गया ए डैश पे, बी से आ गया बी डैश पे, ठीक है, ए से ए डैश पे आ गया, बी से बी डैश पे आ गया। अब डायगनल देखिए, जो ए सी था और यहाँ पे क्या है डी बी है, ठीक है, ए सी और डी बी में क्या डिफरेंस आया कि भाई जो ए सी और डी सी में क्या हो गया ना, देखो जो डी बी था पहले, तो डायगनल पहले क्या था डी बी था, वो बाद में क्या हो गया डी बी डैश हो गया, क्या हो गया डी बी डैश हो गया, उसमें क्या हो गया एक्सटेंशन आ गया। और जो ए सी था वो क्या हो गया ए डैश सी हो गया, ए डैश सी हो गया। इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर कंप्रेशन आ रहा है। तो हमें यही बताना है कि जो भाई जो शियर ले रखा है हमने फाइव, वो इक्विवेलेंट है किसके, कंप्रेशन फाइव बाय टू के एंड एक्सटेंशन एंड एन एक्सटेंशन फाइव बाय टू इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, बस क्या क्या, ए से डैश पे आ गया, बी से बी डैश पे आ गया। ये ए सी था, ए सी से देखो, जब ए से ए डैश पे आ गया, ए ए डैश में चेंज हो गया, तो ए सी भी ए डैश सी में चेंज हो जाएगी। डी बी से डी बी 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 डैश पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा डी बी डैश तक पहुंच जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा ये। ओके, अब देखिए इसने क्या बोला, जो फ्रंट फेस है वो क्यूब का ए बी सी डी, इसने बताया हम लिखेंगे कंसिडर अ फ्रंट फेस ऑफ क्यूब, हम करेंगे सपोज अ क्यूब ए बी सी डी, ठीक है। उसका फ्रंट फेस हमने बता दिया भाई ए बी सी डी है, ठीक है। डी सी फिक्स्ड है, इसने क्या बोला, जो डी सी है वो क्या है फिक्स्ड है, मतलब डी सी कुछ मूव नहीं कर रही है। उसके बाद में टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग अपर फेस ए बी सी डी, टेंजेंशियल फोर्स क्या क्या एक्टिंग किया अपर फेस ए बी सी डी, मैंने आपको बताया टेंजेंशियल फोर्स ने यहाँ पे अप्लाइड किया, तो ए ए डैश पे सरक गया, बी बी डैश पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद में शियर्ड थ्रू एन एंगल फाइ इनटू द पोजीशन ए डैश बी डैश सी डी, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश सी डी, अब देखो ये अलग से बन रहा है, ठीक है, ये अलग से बन रहा है, आपको दिख ही रहा होगा ये, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये अलग बन रहा है, देखो ए डैश डी बी डैश सी, ठीक है, ए डैश डी सी बी डैश बन रहा है ये। ओके, उसके बाद में देखो अब ए ए डैश, अब मैंने क्या किया, जब बच्चों हमने ए से ए डैश पे आ गया, ए से ए डैश पे आ गया, तो ये लेंथ किसके इक्वल ले ली, हमने एल के इक्वल ले ली। फिर बी से बी डैश पे आ रहा है, ये किसके इक्वल ले ली, एल के इक्वल ले ली। तो ए से ए डैश इज इक्वल टू एल एंड बी से बी डैश इज इक्वल टू एल, तो ए डैश ए और ए डैश और बी डैश क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। दैट इज क्या होगा, ये ए ए डैश इज इक्वल टू बी, बी वन इज इक्वल टू एल। आप ए डैश ले लीजिए या ए वन ले लीजिए, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। उसके बाद में देखिए डायगनल डी बी इज एक्सटेंड टू डी बी डैश, मैंने आपको दिखाया था जो डायगनल जो डी बी है वो डी बी डैश तक एक्सटेंड हो गई है। उसके बाद में जो डायगनल ये बोलेगा कि ए सी है वो ए सी ए ए डैश तक क्या हो गया, कंप्रेस हो गई है, ठीक है। इसने बोला डायगनल डी बी इज एक्सटेंड टू डी बी डैश एंड ए सी इज कंप्रेस टू ए डैश सी, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ विद द सेंटर डी एंड रेडियस डी बी, इसने बोला हमारे पास सेंटर डी है और रेडियस हमारे पास क्या है डी बी, हमने हमारी रेडियस ली है, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क सो दैट इट कट्स डी बी डैश एट ई, इसने क्या किया कि ये डी बी डैश पे देखो, ये डी था डी बी तक पहुंच गया और उसके बाद में ये डी बी डैश तक जा रहा है,
अगर हम देखें तो ये जो है इसको कट कर रहा है ना ई पे, ये यहाँ से ई पे कट कर रहा है, मतलब क्या बोलेंगे जो डी बी डैश पे है वो बी क्या है परपेंडिकुलर है, डी बी डैश की जो हमारी नई आग बनी है या जो नई लाइन आई है हमारे पास, जो नया डायगनल आया है वो डी बी डैश पे क्या है डी जो ई बी है वो कट कर रही है। ऐसे ही इस पे लेके चलेंगे कि ए सी पे ए डैश जी कट करेगा, ठीक है, ये हमने इसने बताया हमें कि बी ई है वो परपेंडिकुलर है डी बी वन के और ए वन जी परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है। इसने बोला कि जो बी है भाई इसके परपेंडिकुलर है, इसने भी बोला ये इसके परपेंडिकुलर है, जो था इसने वो लिखा है सिर्फ। अब देखो शियर इज स्मॉल, इसने बोला कि जो एंगल शियर है वो स्मॉल है, आप इस लाइन को यहाँ पे लिखना नीचे, ठीक है। इसने बोला कि जो एंगल ऑफ शियर है वो स्मॉल है, ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे एंगल ए जी ए वन एंड बी ई बी वन, देखो ए जी ए वन एंड बी ई बी वन, मतलब छोटे छोटे हमने ट्राइंगल लिए इसमें। इसने बोला जो ये छोटे छोटे ट्राइंगल है वो क्या है, सेम ही है, ये आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए आप लोग, अब देखो इसने क्या बोला कि भाई जो एंगल है बी बी डैश सी वो क्या हो गया नियरली इक्वल टू 90 है और बी बी डैश ई नियरली इक्वल टू किसके है 45 के। आप लोग यहाँ पे देखे वही डायग्राम है ये, ठीक है। इसने बोला जो बी बी डैश सी है वो नियरली इक्वल टू 90 आपको भी दिख रहा है और जो बी बी डैश ई है वो नियरली इक्वल किसके है 45 डिग्री के है। ये स्टेप्स आपको याद रखने के, कैसे कैसे क्या स्टेप करने है। अब देखिए बी डैश ई, इसने बोला जो बी डैश ई है, देखो ये बी डैश ई क्या हो जाएगा, इसने बोला बी डैश किसके इक्वल है बी बी वन कोस 45 के इक्वल है, किसके इक्वल है बी बी वन कोस 45 के इक्वल है, ठीक है। तो बी बी वन हमने एज इट इज लिखेंगे, जो कोस 45 है वो क्या हो जाएगा 1/√2 होती है कोस 45 की वैल्यू, और बी बी वन क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, जब वो बी से सरक के बी वन पे आया था, बी से बी वन पे आएगा तो उसकी लेंथ कितनी थी एल, वही हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसने बोला जो डी बी है किसके इक्वल है बी सी कोस 45 के, डी बी किसके इक्वल है बी सी कोस 45 के, तो बी सी एज इट इज कोस 45 कितना होता है रूट टू, तो जो ये बी सी होगी इसकी लेंथ कितनी है एल आएगी एल रूट टू। देखो मैंने लिख रखी है जो ए बी है ए डी है डी सी है सी बी है और ए बी है, इन सबकी लेंथ कितनी है कैपिटल एल लेंथ है इन सबकी, ठीक है। क्यूब है ना, मतलब क्यूब के जो ये साइड के ये है ये भुजाएं हैं इनकी ए डी डी सी और सी बी, इन सबकी लेंथ कितनी एल के इक्वल है इनकी लेंथ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक्सटेंशन देखेंगे स्ट्रेन का, स्ट्रेन का एक्सटेंशन देखेंगे अलोंग द डायगनल डी बी, तो क्या आएगी वो एक्सटेंशन अपॉन में टोटल लेंथ, जो एक्सटेंशन थी उसके अपॉन में टोटल लेंथ। अब एक्सटेंशन कितनी हो रही है उसमें बी डैश ई की एक्सटेंशन हो रही है उसमें भाई, एक्सटेंशन किसकी होगी बी डैश ई की, और जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी डी बी थी ओरिजिनल उसकी, अब देखो डी बी ओरिजिनल थी और जो एक्सटेंशन होगी वो ई बी डैश की होगी इसमें, ठीक है। तो हमने ई बी डैश लिखा और डी बी लिख दिया आप, ई बी डैश किसके इक्वल है एल बाय रूट टू के और डी बी किसके इक्वल है एल बाय रूट टू के, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे हम, तो देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो रूट टू और रूट टू साथ में नीचे आएंगे, रूट टू और रूट टू किसके इक्वल हो जाएगा टू के इक्वल हो जाएगा, तो 1/√2 कैपिटल स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल 1/2 एल बाय एल किसके इक्वल हो जाएगा जो फाइव होता है, मतलब 10 φ इज इक्वल टू एल बाय एल, ओके। इसके बाद में आप देखिए हम कंप्रेशन निकालेंगे, कंप्रेशन निकालेंगे तो ए जी बाय ए सी, कंप्रेशन देखिए जो ये ए जी का क्या हो रहा था कंप्रेशन हो रहा था, ए जी बाय क्या करेंगे ए सी का कर देंगे हम, ठीक है। ए जी बाय क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए वन ए ए वन कोस 45 के इक्वल है ये, ए सी एज इट इज लिखेंगे, ये किसके इक्वल आएगा एल बाय रूट टू के, ये ए सी किसके इक्वल आएगा कैपिटल एल बाय रूट टू के, एल बाय 1/2 एल बाय एल 1/2 फाइव आ जाएगा। बट शियर जो शियर स्ट्रेन किसके इक्वल होता है ए ए वन अपॉन में ए डी, मतलब एल बाय एल होगा तो 10 φ होगा, वो नियरली इक्वल टू 5 के इक्वल होगा। इसमें क्या लेके चल रहे हैं बच्चों की जो मतलब 10 φ है, इसने बोला कि जो फाइव है वो स्मॉल है तो हम 10 φ की जगह उसको 5 भी लेके चल सकते हैं, बस इतनी सी बात बोली है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला शियर स्ट्रेन, अब देखो शियर स्ट्रेन कैसे बन रहा है, ये तो स्ट्रेन है ना हमारा, ये शियर स्ट्रेन है हमारा, ठीक है। तो इसने क्या बोला ए ए डैश अपॉन में ए डी, इसके साथ ही तो हमारा जो शेयर बन रहा है ना शेयर एंगल बन रहा है, तो इसने हमें यही लेके चला है कि ए ए वन बाय में ए डी इक्वल टू एल बाय एल, क्योंकि ए ए वन एल था और ए डी क्या था एल के इक्वल था, और ये किसके इक्वल होता है 10 φ के इक्वल है और फाइव नियरली इक्वल होगी किसके 5 के, बिकॉज 5 स्मॉल है तो 10 φ को हम 5 लेके चलेंगे। वी सी दैट द शेयर स्ट्रेन 5 इज इक्वल टू एन एक्सटेंशन स्ट्रेन,
ऑफ 5/2 एंड अ कंप्रेशन स्ट्रेन 5/2 बोथ एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो बच्चों हमें यही प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको किसी चीज में डाउट है तो आप देख लेना। एक दो स्टेप में मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये बीबी डैश कहाँ है, ए ए डैश कहाँ पे, क्योंकि वो आपको पता है और आपने देख ली थी। और आप अगर कर रहे हो इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो डायग्राम के साथ करके देखना, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जरूर ट्राई करना इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। और नोट्स के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको देखो इस बुक के नोट्स देख रहे हैं ना कि मैं बुक्स में कैसे कैसे क्या लिखा है, तो आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं नेक्स्ट पेज और दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।